चिचड़े डूबे काने भेड़े और जमुड़ो हाँ।
तैयारियां कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले कार्ड छपवाए जाते हैं। हाँ, क्योंकि कार्ड वाला ही काम कठिन होता है। तो भोले बाबा विचार कर रहे हैं, भोले बाबा के समय में प्रिंटर प्रेस तो चलते नहीं थे, उसको छपवाने डाले। भोले बाबा नंदी से कह रहे हैं, तो देखो नंदी, शादी की तैयारियां यहीं से शुरू होती हैं। सबसे पहले तो लोगों को निमंत्रण दिया जाए। अब निमंत्रण देने के लिए भोले बाबा लिस्ट बना रहे हैं। भोले बाबा कह रहे हैं विवाह हो रहा है हमारा, तो हमारी किसी से दुश्मनी है नहीं। तो भोले बाबा ने कहा देखो निमंत्रण तो सबको ही देना पड़ेगा। भोले बाबा नंदी से कहते हैं जाओ नंदी, एक क्रम से सबको निमंत्रण दे आओ, भोले बाबा की बारात है। तो जैसे बाबा वैसे बाबा के नंदी, नंदी कैलाश पर्वत से निकले तो सबसे पहले मरघट में प्रवेश कर गए। जितने भी भूत चुड़ैल मरघट में थे सबसे कह दिया है तैयार हो जाओ, भोले बाबा की बारात के लिए सभी का निमंत्रण है। वहां से निकले हैं नारद जी, सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करते हैं, शुक्र शनिचर को निमंत्रण दे दिया है। भोले बाबा की बारात है भैया चलना। अंधे लंगड़े गूंगे काने भेड़े किसी को नहीं छोड़ा, सबको एक तरफ से निमंत्रण दे दिया, भोले बाबा की बारात है तैयार हो जाओ। नंदी निमंत्रण देकर के वापस लौटती है। अब नारद जी तीनों देवियों को लेकर के आए हैं, रिद्धि सिद्धि सभी स्वर्ग से अप्सराएं आ रही हैं, चुड़ैलियां आ रही हैं, भूत पिशाच सब आए हैं कैलाश पर्वत की तरफ।